शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर सेंसी न्यूज चैनल से मैं हूं अमीषा पटेल। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। जनपद बलिया उत्तर प्रदेश मनोज राय हंस के द्वारा बलिया बेसिक शिक्षा अधिकारी सैकड़ों की जनसंख्या में बेसिक शिक्षा अधिकारी को घेरा गया। आरोप है कि सीक्रेट हार्ट विद्यालय एवं आरके मिशन स्कूल आरटी नहीं मानते हैं कि जिसके लिए डीएम मुख्यमंत्री सभी को पत्र भी भेजे। संतोष कुमार राय बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि इस मामले पर कार्रवाई की जाए। क्या सिविल कोर्ट बलिया और आरटीआई कार्यकर्ता भी बेसिक शिक्षा कार्यालय पर आता है, क्या मजबूरी थी, क्या दिक्कत थी? बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत प्रवेश के लिए कुछ लेटर जारी हुए थे। उसमें दो विद्यालय ऐसे थे, एक विद्यालय सेक्रेट हर्ट स्कूल सहरसपाली था और एक आरके मिशन सागरपाली था। सेक्रेट हर्ट स्कूल सहरसपाली बलिया में 9 बच्चों का लेटर जारी हुआ था, जिसमें वो एक भी बच्चे का एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं है। एक बच्चे का एडमिशन लिया भी था, जिसका नाम पल्लवी गिरी है, तो 2 महीने पढ़ाकर उसको भी निकाल दिया और वो अपने प्रांगण में पेट्रोल पंप भी चलाता है। इस बात की शिकायत हम इनके यहाँ किए कि वो एडमिशन नहीं ले रहा है, आरटीई एक्ट का अनुपालन नहीं कर रहा है, पेट्रोल पंप चला रहा है और उस बच्ची को निकाल दिया है। आपने शिकायत किसके यहाँ किया? जिलाधिकारी के यहाँ किया, बीएसए के यहाँ किया, मुख्यमंत्री के यहाँ किया, तमाम कई लोगों के यहाँ मैंने पत्राचार किया है। और ठीक यही स्थिति आरके मिशन स्कूल की भी है, वहाँ भी 13 बच्चों का लेटर जारी हुआ है जिसमें वो एडमिशन नहीं लिया है। तो मैंने दोनों विद्यालयों के लिए डीएम से मिला तो डीएम साहब ने दोनों विद्यालयों के मान्यता प्रत्याहरण करने के लिए लगभग 5 बार, जब जब मैंने गया तब तक डीएम साहब ने आदेश किया बीएसए को मान्यता प्रत्याहरित करने के लिए। लेकिन डीएम साहब उस दिन से लेकर आज तक लगभग 4 महीने 7-8 बार नोटिस जारी किए हैं और मान्यता प्रत्याहरण का आदेश नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं उनका घेराव किया, क्योंकि कई बार मैं आके अकेले मिला, मुझे कई नोटिसें भी इनके द्वारा दी गई लेकिन मान्यता प्रत्याहरण का आदेश नहीं किया जा रहा है और स्कूल के द्वारा कोई एक्सक्यूज नहीं इनके पास पेश किया जा रहा है। स्कूल वाले इनको ठेंगा दिखा रहे हैं और इनके आरटीई एक्ट को भी ठेंगा दिखा रहे हैं और सरकार को भी नहीं मान रहे हैं। आज बीएसए महोदय से आप मिले, बीएसए महोदय ने क्या कहा? बीएसए महोदय ने कहा कि दोनों विद्यालयों का मान्यता प्रत्याहरित करने का आदेश आज मैं टाइप करा दूंगा, आप 17 को आइएगा, आपको कॉपी दे दी जाएगी। क्या आप संतुष्ट हैं? मान्यता प्रत्याहरण का आदेश कर देंगे इससे संतुष्टि है, लेकिन पूरी नहीं। पूरी संतुष्टि तब होगी जब उन बच्चों का एडमिशन आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत आसपास के विद्यालयों में लेटर जारी करके करा देंगे, तब पूरी संतुष्टि होगी। और आप ही के क्षेत्र के अंतर्गत सीक्रेट हाल सरसपाली विद्यालय आता है, ये क्या मामला है? कुछ लोग आपसे मिले? मामला अभी कुछ लोग आए थे, उनका कहना ये है कि जो आरटी एक्ट के तहत जो है 25% जो लाभित समूह के बच्चों का प्रवेश के लिए जो है कुछ बच्चों का नाम भेजा गया था यहाँ से बिहार से, और उनका प्रवेश अभिभावकों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका प्रवेश वहाँ पे नहीं लिया गया है। तो उसी के संबंध में कुछ गार्जियन को ऑब्जेक्शन था, जो उसी को शिकायत ले गई थी। मान्यता को लेकर भी प्रश्न उठा रहे थे, क्या ये मामला? मान्यता के संबंध में ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने शिकायत की है उसमें मेन रूप से वही था कि उन बच्चों का एडमिशन नहीं लिया गया है, उसके संबंध में विभाग द्वारा जो है उचित कार्रवाई के बारे में वो जानना चाह रहे थे, तो उसके लिए हम लोग जो है विभागीय योजना अनुसार जो कार्रवाई होगी उसका।